नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि मैथ की एक शानदार ट्रिक लेके आए हैं और ट्रिक नंबर है 40। इससे पहले 39 ट्रिक मैं अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप मैथ की अच्छी अच्छी ट्रिक सीख सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, मात्र एक सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, और अगर एक सेकंड में आपको इसका आंसर ना निकले तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट करके आंसर बताया था, उसमें से मैंने 6 बच्चों के नाम सेलेक्ट करे हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में जो क्वेश्चन होता है कि सीधे से दे देगा 9 9, और ऊपर कुछ दे देगा और नीचे कुछ दे देगा, और इनटू 99। और जो टाइप 2 होता है, इसमें 1/2 करके कुछ प्लस में साइन करके दे देगा। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो इसका आंसर आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइप 1 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। चलिए देखिए, तो पहले मैं इसको बेसिक से कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बेसिक से करने के लिए देखो क्या करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस करेंगे। आप सभी को पता होगा यही करते हैं, 9 की मल्टीप्लाई आप 99 ऐसे कर दिए, 99 और प्लस 92 और अपॉन में 99 इंटू 99। बेसिक से आप यही करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और ये आप इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए करने के लिए, अब मैं 99 को 100 लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1 तब भी तो वही आएगा। देखिए मैं 99 को 100 माइनस 1 लिख दूंगा तब भी तो 99 आएगा। इससे कैलकुलेशन जो होगी बच्चों आपकी ईजी हो जाती है, ठीक है बच्चों। 92 अपॉन 99 इंटू 99, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई करने में इजी हो गया। देखिए 100 की मल्टीप्लाई 99 से करेंगे तो 99 और 20 के 20 आ जाएंगे, ठीक है। माइनस 99 बन जा 99 प्लस 92। अब देखिए 99 से 99 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए 99 00, अब देखिए 99 माइनस का और 92 प्लस का है, तो 99 में से जब 92 लेस करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। वो भी काहे का, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 99 माइनस का बड़ा। अब देखिए 9900 में से 7 जब लेस करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आप करके भी दे सकते हैं। देखिए 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ रह गया आपका 9, तो 9 हो जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ 9, तो 9893 ये आएगा आपका इसका राइट आंसर। चलिए अब मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो स्किप मत करना बच्चों, ठीक है। अब ट्रिक देखते हैं क्या इसकी, तो मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ट्रिक जो ट्रिक है बहुत ही ईजी है बच्चों, बस आप समझ लेना, उसके बाद कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए कितने 9 लिखे हैं, बस आपको ये देखना है यहाँ पे कितने 9 लिखे हैं, तो बस आप उतने ही 9 यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जितने भी 9 होंगे ना बच्चों, बस आप वहाँ पे 9 लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको, उतने ही 9 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितने 9 है, बस इतना देखना यहाँ पे कितने 9 है, तो जितने 9 होंगे उतने आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, 0, ठीक है। बस फिर बता दे रहा हूँ एक बार, जितने यहाँ पे 9 है उतने 9 नोट कर दीजिए, और जितने यहाँ पे 9 है उतने आप यहाँ पे 0 नोट कर दीजिए। अब देखिए तीसरा जो स्टेप है, इसका जो गैप होता है ना, इसका जो अंतर होता है, बस उसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। माइंड में सॉल्व कर सकते हैं वैसे, तो 99 में से जब 92 लेस करेंगे तो 7, बस उसी को आप इसमें क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, और आपका आंसर 9893 आ जाएगा। बिना पेन उठाए भी आप कर सकते थे इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका भी आंसर आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए मैं ट्रिक से बताऊंगा, आप बेसिक से घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे कितने 9 हैं, तो यहाँ पे आपके 19, तो आप 9 यहाँ पे क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कितने 9, तो आप देख लीजिए 2 9 है, तो आप यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इनका गैप, इसमें से इसको लेस कर दीजिए, 9 में से 5 गया तो 4, बस आप 4 यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आपका आंसर देखिए 896 बिना पेन उठाए कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसी में बड़े बड़े क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन बच्चों ने मुझे सेंड किया था, और बोल रहे थे सर इसका आंसर मुझे ट्रिक से बताइए। तो देखिए कुछ भी नहीं है इसका आंसर, बेसिक से भी करके देख लीजिए और मैच कर लेना, कैलकुलेटर से भी कर लेना, गारंटी दे रहा हूँ आंसर यही आएगा। तो देखिए आपके यहाँ पे कितने 9, तो देख लीजिए 3 9 है, तो आपको 3 बार यहाँ पे 9 लिखना है। यहाँ पे कितने 9, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 9 है, तो आप उतने ही यहाँ पे क्या कर दीजिए, 0 लगा दीजिए। अब इसमें से इसको लेस कर दीजिए, तो 999 में से 995 जब लेस करेंगे तो 4 यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4। अब इसमें से इसको लेस कर दीजिए, तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ हो गया 9, यहाँ भी आपका 9, तो यहाँ 8,
9 और 9, आपका यही क्या हो गया आंसर। आप कैलकुलेटर भी से भी चेक कर सकते हैं, मात्र एक सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। नंबर 4 देखते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गए हैं ट्रिक, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप आंसर देखना, देखते हैं कौन कौन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बच्चों टाइप 2 देखते हैं। अब टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे बनता है कि 1 अपॉन दे देगा और प्लस में साइन देके ऐसे डिजिट दे देगा। अगर यहाँ तक क्वेश्चन होता तो हम आराम से कर सकते थे, जितने यहाँ 9 उतने ही 9 9 लिख देंगे, जितने यहाँ 9 उतने 0 लिख देते और इसमें से इसको लेस करके आप आंसर निकाल सकते। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये CPO में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों ये वाला, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो है ना टाइप 1 से भी कम समय में आप बिल्कुल इसका तो बिना पेन उठाए आप इसका आंसर बता सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन होता है ये। चलिए मैं देखो इसको पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर इसका ट्रिक जो बताऊँगा ना बिना पेन उठाए आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए कुछ नहीं करना है, तो 1/5 ऐसे लिख दीजिए, प्लस वही करना है, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इसमें प्लस कर देंगे, तो 999 की मल्टीप्लाई 495, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और प्लस 494 की आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 495 नीचे आ जाएगा और इंटू 99। अब देखिए 1/5 ऐसे लिख लेंगे प्लस, अब देखिए यहाँ 999 को मैं 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों, इंटू 495 प्लस 494 अपॉन में 495 और इंटू 99, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। इससे ये कैलकुलेशन जो आपकी इजी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, बस वीडियो स्किप मत करना बच्चों, ठीक है। प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो देखिए 495 और 000 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर 1/1 से करेंगे तो 495 आ जाएगा प्लस 494 आ जाएगा और अपॉन में 495 आ जाएगा इंटू 99। अब देखिए अब ये कट सकता है, देखिए 11 से काट लीजिए, 11 9 जा और ये भी 11 से कट जाएगा, 11 4 जा 5 कैरी, 11 5 जा, फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 5 जा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब 1/5 प्लस, अब इसको ऐसे लिख लीजिए 495000 495 प्लस 494 और अपॉन में 5। अब हमें पता है दोनों का हर जो है वो सेम है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो 5 ही आएगा, क्या आएगा बच्चों 5, और ऊपर वाली डिजिट क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो मुझे पता है कि 495 और ये प्लस का, तो देखिए ये जब जुड़ जाएगा 495 1 प्लस इसमें हो जाएगा, तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो आपका जो बचेगा ऊपर आपका बचेगा 495000 000, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, देखिए बच्चों इसको काटेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि 5 से काट लीजिए, 5 9 45, फिर यहाँ पे आपके 4 कह रही है, 5 9 और 30, तो आपका ये आंसर आएगा, क्या आएगा बच्चों ये। आप देखिए इसकी ट्रिक क्या है, मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए अब ट्रिक, इसकी जो ट्रिक है बहुत ही इजी, अगर ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में नाइस ट्रिक जरूर लिखना, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे जितने 9 हैं बस आप उतने यहाँ पे क्या कर दिए 9 लिख दीजिए, ठीक है, 2 9 हैं आप उतने ही 9 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जितने 9 हैं आप उतने ही यहाँ पे क्या कर दिए 0, बस आपका यही क्या हो गया आंसर। मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, बस देखो फिर मैं बता दे रहा हूँ, जितने 9 हैं उतने आप यहाँ पे 9 लिख दीजिए और यहाँ पे जितने 9 हैं उतने ही 0 लगा दीजिए और यही आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा देगा, यहाँ पे 1/5 देगा और यहाँ पे 495 देगा, बस याद रखना बच्चों इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कटेगी ही कटेगी, क्वेश्चन ऐसा ही देगा वो बना के। अगर इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट रही है तो बस समझ जाना कि जितने 9 उतने 9 यहाँ रख देना और जितने 9 यहाँ पे उतने ही 0। चलिए मैं क्वेश्चन आपको अगला दिखा देता हूँ, वैसे आप बता सकते हैं इसका आंसर। देखिए 1/7 प्लस 9 9 62/63 इंटू 9। अब इसका आंसर आप ट्रिक से बताइए और बेसिक से आप घर पे भी करके देखना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप अपना आंसर मैच कर लेना। यहाँ पे जितने 9 आप उतने 9 लिख दीजिए और यहाँ पे जितने 9 उतने ही आप क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए और आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप इसका आंसर बता सकते थे कि 900 मतलब 9000 इसका आंसर आ जाएगा। आप बेसिक से भी कर लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ यही आंसर आएगा। अगर ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में नाइस ट्रिक जरूर लिखना। थैंक यू।